रखता है। जब मैंने गुरुजी से ज्ञान लिया था, जब मैंने हम अपने गुरुओं से ज्योतिष का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो हमें एक ही बात बताई गई थी कि बिना दक्षिणा के ना तो ज्योतिषी को ज्योतिष फलती है, ना ही जो दिखाता है उसकी कोई मनोकामना ही पूर्ण होती है। तो देखा जाए तो अगर फीस ली जा रही है तो आप ही की भलाई है इसमें, क्योंकि अगर ज्योतिषी को दक्षिणा नहीं दी जाती है तो बुरे परिणाम कुंडली में होने लगते हैं, उस जातक के ज़िंदगी में बुरी बुरी घटनाएं होने लगती हैं। ये बिल्कुल सत्य है और हमने भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने हमारी इस विद्या का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी और अपने संपर्कों का लाभ उठाते हुए हमसे ये उम्मीद की थी कि हम अपना सारा काम छोड़ के निःशुल्क में उनको परामर्श दें। जबकि हमारी विनम्र विनती यही रहती है हमेशा कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं वो परामर्श शुल्क कम दे दें, लेकिन निशुल्क में परामर्श ना लेवें, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो होती है दैवज्ञों की विद्या है, परमात्मा की विद्या है। परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो विधान है, उसको तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो ज्योतिषी भी बंधा हुआ रहता है परमात्मा से, लेकिन आपकी सुविधा के लिए या परमात्मा की कृपा से उसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो ज्ञान आपके साथ बांटना चाहता है। लेकिन आप भी तो उस बात की मर्यादा को समझें। कोई पामिस्ट किसी शादी में जाता है, मैं अपनी ही बात करूं तो लोग अपने हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं कि हमारा देख के बताओ, हमारी शादी कब होगी, हमारा ये सब। तो ज्योतिष एक तो मनोरंजन का साधन नहीं है, कहीं शॉप पे जाओ, कहीं मॉल में जाओ, किसी को भी पता चलता है कि ज्योतिषी हैं तो लोग अपना भविष्य पूछने लग जाते हैं। ज्योतिष विद्या की कुछ गरिमा है, कुछ मर्यादाएं हैं। ज्योतिष विद्या ऐसे ही नहीं है कि कहीं भी खड़े होकर चालू हो गए। जो लोग ये काम करते हैं वो या तो ज्योतिषी नहीं है या फिर उनको ज्योतिष विद्या की गरिमा के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं है। अब बात करते हैं फ्री में परामर्श देने वालों की। तो देखिए, जब मैंने ज्योतिष सीखी थी तो कम से कम 5-6 साल तक मैंने किसी से एक रुपया नहीं लिया था, क्योंकि मुझे अपना हाथ आजमाना था, मुझे परफेक्शन लेना था, मुझे प्रयोगात्मक कार्य करने थे। कुंडलियों की मुझे खुद आवश्यकता थी देखने के लिए कि देखें ये मनुष्य के जीवन में क्या घटित हुआ है। तो वहाँ समझ लो मेरा ही स्वार्थ था। कोई भी मनुष्य आज के ज़माने में इतना दूध का धुला हुआ नहीं है जो बड़े बड़े दावे करे कि मैं निःशुल्क देखती हूँ या देखता हूँ, मैं फीस नहीं लेती। ये सरासर आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, क्योंकि या तो वो व्यक्ति अनुभवहीन है और वो चाहता है कि वो बहुत से हाथों को देखे, बहुत सी कुंडली को देखे और फिर वो ये काम करे, और या फिर उसके ज्ञान में वो दम नहीं है तो वो खुद तरसता है ऐसे लोगों को कि लोग उसके पास कुंडली दिखाएं, उसको पूछें। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि जो YouTube पर आकर बड़े बड़े टोने टोटके बता रहे हैं, क्या वास्तव में वो ज्योतिषी भी है? ज्योतिषी है कि नहीं है, कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी। बस बड़े बड़े थंबनेल, चमत्कारिक बातें आ गई और आपको लगा कि ये इंसान ज्ञानी है और आपने सोचा कि वो आपकी ज़िंदगी का निर्माता हो गया। यहीं आप सबसे बड़ी गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो। अपने आप में भरोसा क्यों नहीं करते आप? चंद पैसे बचाने के लिए अगर आपने कुछ उल्टे सीधे टोने टोटके कर लिए तो वो आपके ज़िंदगी के इतने बड़े दुर्भाग्य के कारण बन सकते हैं जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ऐसे लोग ठग हैं, एक्चुअली ज्योतिषी नहीं है, ठग विद्या का प्रसार कर रहे हैं ऐसे लोग। आपको कर्महीन बना रहे हैं, आपको नाकारा बना रहे हैं। आपको लगता है कि एक माचिस की तीली जला दी, एक कील यहाँ ठोक दी तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। अरे कब तक बेवकूफ़ बनते रहोगे आप, कब तक बेवकूफ़ बनते रहोगे? जब तक आप कोई उद्यम नहीं करोगे, जब तक आप कोई कार्य नहीं करोगे, जब तक आप कोई पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, आप करके देख लेना। जितने भी टोने टोटके उटपटांग चीज़ें लोगों ने बताई हैं, कितने लोगों को इससे लाभ हुआ है ज़रा देख लेना आप। हम एक ज्योतिषी हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और फीस लेने का जो साहस है वो इसीलिए करते हैं कि हमने वाकई में इस विद्या में महारत हासिल की है। मेरा सिर्फ एक ही बात आपसे पूछनी है कि क्या कोई फ्री में किसी को जहर खिलाएगा तो क्या वो खा लेगा क्या? बस ये जो फ्री में ज्योतिषी होते हैं जो बिल्कुल परामर्श नहीं लेते हैं, देखो मंदिर में बैठकर अगर कोई सेवा करता है, बुज़ुर्ग व्यक्ति है, तो एक अलग बात है। और एक चीज़ मैं बोलूँ कि जो व्यक्ति पैसा नहीं ले रहा है ना, उसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, और व्यूज़ जितने ज़्यादा आएंगे उसको YouTube से उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। मेन इसका कारण यही है, इसीलिए ऐसे लोग पैसे नहीं लेते हैं। और पैसे दक्षिणा है और बिना दक्षिणा के ज्योतिष विद्या फलती नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। आपको फ़ायदे की जगह अथवा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ये भी जांच लें कि जो फ्री फोकट में सलाह दे रहा है वो कितने वर्षों का अनुभवी है या नहीं है, या उसने टाइम पास ही इसका एक माध्यम बना लिया है। क्योंकि डिजिटल
वर्ल्ड में अभी इतना काम हो गया कि लोगों को थंबनेल बनाना आ गया है, लोग बड़े अट्रैक्टिव तरीके से बोलना उनको आता है, तो वो लोग बस कुछ भी बोले जा रहे हैं, चाहे कोई विद्या की उन्होंने कभी वास्तु का वै भी नहीं सीखा हो और ज्योतिष का जय भी नहीं सीखा हो। यहाँ हम बाकायदा प्रशिक्षित ज्योतिषी हैं, वर्षों का अनुसंधान का अनुभव है और ऐसे बहुत से दैवज्ञ इस यूट्यूब परिवार में हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं जो अपनी फीस ले रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी होती है, उनको बस फ्री 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 दिखता है सब कुछ, और फ्री में तो बस कुछ भी मिल जाए, गटर का पानी भी मिल जाए तो उसको भी पी जाएंगे कुछ लोग ऐसे। तो आई एम सॉरी टू से, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो फ्री में परामर्श देकर, ज्योतिष विद्या अगर उनको आती है फ्री फोकट में, आप बाकायदा लोगों का को परामर्श देते हो तो एक अलग बात है, लेकिन तब भी आप भगवान के दरबार में गुनाह कर रहे हो, क्योंकि ज्योतिष विद्या शापित है और इसकी कुछ मर्यादा है, दक्षिणा का विधान है, और दक्षिणा भी आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। पहले तो इस दक्षिणा को भी बड़े सम्मान पूर्वक दिया जाता था, एक नारियल, एक माला, एक मिठाई ले जाकर ज्योतिषी के चरणों में जाकर अर्पित किया जाता था, तब जाके वो आपका भविष्य बताते थे। तो आजकल ऐसी परंपरा चल पड़ी है कुछ दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोगों की वजह से, जो इतने टफ कंपटीशन में ज्योतिष की छवि ख़राब करते हैं, ज्योतिष का मार्केट ख़राब करते हैं और ऐसे लोगों को जलील करने की कोशिश करते हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मेरी फ़ीस भी ज़्यादा है तो मुझसे भी ज़्यादा बहुत लोगों की फ़ीस है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो लोग डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी डिज़र्व करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं फ़ीस लेती हूँ और लूँगी बिल्कुल। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं, गरीब हैं, मैं अपने अपने तरीके से उनकी सेवा जब भी मुझे समय मिलता है अवश्य ही करती रहती हूँ।